क्या हुआ, अपने प्रिय मित्र के पास, पापा के प्रिय मित्र के पास गया, तो उन्होंने कहा कि जो जो बातें मेरे दोस्त ने कही थी सारी सही कही थी, लेकिन उन्होंने तो किसी और वे में उसको कहा था और तू तो उसको किसी और वे में ले गया, यानी माइंड से कुछ तूने कुछ और समझ लिया और उन्होंने तो कुछ और कहा था। उन्होंने कहा था कि छाया में आना, छाया में जाना, इसका मीन्स क्या था, इसका मीन था कि सूरज उगने से पहले जल्दी उठ जाना और अपनी दुकान पर काम पर चले जाना, और सूरज छिपने से पहले यानी जल्दी ही छाया होते होते ही घर आ जाना। दूसरी बात थी सदा मीठा भोजन करना। तो सदा मीठा भोजन करना ये थी कि जब तुम्हें कड़ाके की भूख लग जाए, तुमने तो हलवाई बिठा दिए, तुम्हारे तो शुगर हो गया। उन्होंने कही थी कि जब तुम्हें भूख लगे, तेज भूख लगे, तो तुम्हें सूखी रोटी भी मीठी लगेगी, तो तुम्हें तभी खाना खाना है जब तुम्हें सदा मीठा ही खाना खाना है। मतलब भूख लगेगी तो वो खाना तुम्हें मीठा लगेगा, अमृत जैसा। और अपने घर के आसपास हाथी के दांत लगाने का मीन्स है कि अपने घर के आजू बाजू और सभी घरों से अड़ोस पड़ोस में बना कर रखना, क्योंकि वो ही हमारे काम आते हैं, व्यवहारिक होते हैं। किसी को पैसे देकर मांगना मत, इसका मीन्स था किसी को पैसे दो तो उसके बदले में उसकी कोई चीज या कुछ भी चीज ले लो, मतलब ताकि वो खुद देने आए और अपनी चीज ले ले और फिर पैसे देके चला जाए। यानी किसी को उधार दो तो उससे बार बार खुद ना मांगो, तो कोई चीज उसकी ऐसी रख लो कि तू ये अपनी चीज ले जाइयो, जैसे कि कुछ भी जैसे सोना वगैरह, और फिर ले जाओ। लेकिन उसने तो क्या किया, सबको पैसे देता गया देता गया। तो तुमने सारी बातों का उल्टा मतलब ले लिया। उन्होंने क्या क्या कहा था, जगह जगह पर कोठी बनाने का मीन्स था जब भी हमारे घर पर कोई आए तो उनका आदर करो, मान करो, यानी उनको अच्छे ढंग से उनका मतलब मान सम्मान करो, उनका अच्छे ढंग से उनका खाना वगैरह खिलाओ, उनकी इज्जत करो, ताकि जब हम जाएंगे तो फिर बस हमें कोठी बनाने की जरूरत नहीं है, जब हम कहीं जाएंगे तो वो भी हमारी कोठियां ही बन जाएंगी। जगह जगह जहां भी हम जाएंगे जो मान सम्मान हमने दिया वो हमें भी हम भी पाएंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा था अपनी पत्नी को खूंटे से बांध कर रखना, उसका मीन्स था कि जब तक तुम्हारी पत्नी के कोई बच्चा ना हो जाए तब तक उसके साथ प्यार से रहना। बच्चा होने के बाद तो मम्मी का खुद ही इतना मन लगता है घर में, फिर वो एक स्त्री बंध जाती है घर से, उसका मन अपने आप उस घर में लगता है। तुमने उल्टा मतलब लेके उसको एक टाइम में बांधना शुरू कर दिया, मतलब उसको इतना प्यार देना बच्चा होने से पहले, और बच्चा होने के बाद तुम थोड़ा बहुत डांट भी लो तो कोई बात नहीं। मतलब कि कहने का मीन्स है कि उन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातें उसको एक इनडायरेक्ट वे में समझाई थी जो वो समझ नहीं पाए। और लास्ट बात वो बोला, ये तो चलो ठीक है, गंगा यमुना का कौन हो गई ये। तो उसके मित्र ने, पापा के मित्र ने बताया कि गंगा और यमुना और कोई नहीं है, तेरे पापा जो तुम्हारे घर सफेद गायें और काली गायें बंधी हुई है, सफेद गायें और काली गायें है सॉरी भैंस बंधी हुई है, तो उसे गंगा यमुना बोलते हैं। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो उसके नीचे बहुत सारा खोद कर देख, धन गड़ा हुआ है, तो उस धन को तू लेकर अपना घर गृहस्थी दोबारा से चलाने शुरू कर दे, कर सकता है। तो दोनों मित्र गए, अब वो पूरा गरीब हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो अपने फटाफट अपने घर गया और गंगा यमुना जो थी उनके नीचे खोदना शुरू कर दिया, हल कुल्हाड़े चला दिए, नीचे इतना बड़ा एक घड़ा निकला, उसमें हीरे जवाहरात मोती इतने क्या क्या भरे पड़े थे। तो फिर उसकी जो गृहस्थी है दोबारा स्टार्ट होगी, उसके
कहने का मतलब है कि हमें भी इनमें से एक बात भी अगर हम अमल कर लें, एक बात भी, सारी तो हम क्या पता अमल करें करेंगे ये नहीं, एक बात भी अमल कर लें तो हमारी जिंदगी को चार चांद लग सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट कथा थी, फर्स्ट प्रवचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो मेरे अंदर एक तरंग उठी थी कि मुझे शेयर करनी है, तो मैंने बाय बाय